नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं गौरव सेठी, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल जी टेक की एक और नई अनबॉक्सिंग में और एक कंपैरिजन में। तो हमने लास्ट जो वीडियो डाली थी वो मीवी के एयरपोर्ट्स ENC F70 की डाली थी, जो कि ब्लैक कलर का था। तो हमने एक और कलर वेरियंट उसका ऑर्डर किया था, देन वो भी हम आपके सामने अभी ओपन करेंगे। एंड ब्लैक एंड जो दूसरा कलर हमने मंगवाया उसका कंपेरिजन करेंगे कि कलर में और जो उसके बॉडी है उसका दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि दोनों के बॉक्स जो हमारे पास है अभी अवेलेबल, तो आप देख सकते हैं दोनों सेम प्रोडक्ट है, डियोपोर्ट ENC F70। ये ब्लैक वेरिएंट है और ये है आपका ब्लू कलर। तो आज हम ब्लू वाले को ओपन करेंगे, देन उसके बाद ब्लैक वाले से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है कलर के अलावा और क्या क्या चीज़ें इसमें अलग है। तो जल्दी से कर लेते हैं वीडियो को शुरू, आप एंड तक बने रहिए और हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से तो ये रहा गाइस ब्लू कलर का हमारा ड्यूपॉड्स ENC F70। इसको हम जल्दी से कर लेते हैं ओपन। बाकी सारी चीज़ें तो सेम है ब्लैक वेरिएंट की तरह, बस इसमें कलर डिफरेंट है। कलर में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। वही सेम चीज़ है, तो इसके साथ हमें जो ईयरबड्स मिलती है ब्लू कलर की मिलती है एंड वायर ब्लू नहीं है, वायर तो ब्लैक ही है। इनको कर देते साइड में। अब आ जाते हैं हमारे मेन प्रोडक्ट पे। तो वो मेन प्रोडक्ट हमारा ये रहा, ऊपर लिखा है मीवी, नीचे हमारा इंडिकेटर है चार्जिंग का। तो स्लिपरी तो है काफ़ी, ब्लैक वाला भी और ये भी। तो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है देखा जाता है कि कलर डिफरेंस होने पे थोड़ी सी प्रोडक्ट क्वालिटी भी चेंज हो जाती है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी है ब्लैक की भी और इसकी भी। तो ब्लैक वाला भी हम ले लेते हैं और कंपेरिजन करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हमें डिफरेंस मिलती है। तेरा हमारा ब्लैक वेरिएंट, तो सबसे पहले जो हमें देखने को मिलता है दोनों वेरिएंट में, ब्लैक में आप देखेंगे थोड़ा सा काफ़ी ग्लॉसीनेस है आप देख सकते हैं, लेकिन ब्लू वाले में देखेंगे तो ये मैट लुक है, लेकिन मैट लुक भी काफ़ी अच्छा है। ग्लॉसी में ये है कि आपके अगर कोई से भी गंदे हाथ लगते हैं, कुछ भी पसीने वाले गीले हाथ कुछ भी लगते हैं तो आप आसानी से साफ़ कर सकते हैं, लेकिन मैट पे थोड़ा सा आपको गंदापन दिख सकता है। इसकी जो ईयरबड्स है उसमें भी आप देख सकते हैं ग्लॉसीनेस है, ग्लॉसीनेस और मैट का कॉम्बिनेशन है, जबकि ब्लू कलर वाले में ओनली मैट फिनिश है इसके ईयरबड्स में भी, और इसमें मेटलिक जो आपका इसके फ्रेम्स वगैरह में मेटलिक है। तो क्वालिटी में काफ़ी अच्छे है दोनों के, साउंड मैंने सुने साउंड में भी दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो कलर वेरिएंट है ये ग्लॉसी है और ये मैट है, यही है। और इसमें दो कलर और आते हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पसंद आई है तो। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।